हमें ना पीएफ चाहिए ना एएसआई चाहिए, सिर्फ हमें नौकरी बनी रहे। के द्वारा माध्यम से बता रहे हैं कि हमारी नौकरी ना निकली जाए। हम लोग को बाहर निकल, हम लोग जाएंगे कहाँ पे? अब हमारे बाल बच्चे करेंगे क्या? हेल्प करते थे बसों के अंदर भी, आज भी हम लोग लगे हुए हैं। हम तो उल्टा सरकार को देने के लिए रेडी हैं, तैयार है 500 रुपये पर महीना। बताओ दोगे नहीं दोगे? खाली भी जा रही है और सिर्फ आप अकेली बैठे तो हमारी टेंशन होती है, ना कि वो ड्राइवर कंडक्टर की। आप हमें वजह बताएं, केजरीवाल जी आप हमें वजह बताएं कि आप हमें निकाल क्यों रहे हो जब आपको जवानों की जरूरत है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो बेरोजगारी की जो दर है वो धीरे धीरे करके देश में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हो गया या फिर सरकारी महकमा हो गया, हर जगह पे बेरोजगारी पूरी तरीके से चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। एक तरफ मोदी सरकार लगातार कह रही है कि रोजगार दिया जा रहा है, केजरीवाल की वहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने भी यहाँ पर तमाम लोगों की नौकरी छीन ली है, जिनको लगातार नौकरियाँ दी जा रही थी, वो मार्शल हो या फिर जवान हो या फिर होमगार्ड हो, सबकी नौकरी यहाँ पर छीनी गई है। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे सर दिल्ली होमगार्ड। कितने समय से बेरोजगारी का सामना करना पड़ा? 15-31 मार्च को निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है कि केजरीवाल सरकार की कमी है? हाँ जी, बहुत कमी है। आप लोग कैसे मांग कर रहे हैं? अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ मांग रहे? मैम धरना के द्वारा माध्यम से बता रहे हैं कि हमारी नौकरी ना निकाली जाए। क्या कहेंगे? हमारी नौकरी 60 साल तक रखी जाए, हमारी 55 साल उम्र रहेगी। अब हम काई लायक ना है, हमें ना पीएफ चाहिए ना एएसआई चाहिए, सिर्फ हमें नौकरी बनी रहे 60 साल तक और कुछ नहीं। केजरीवाल सरकार ध्यान नहीं दे रही आप लोगों पे, कुछ नहीं कर रही। क्या कर रही है? माने कर रही है, घर बैठो। 31 मार्च लास्ट हमारे लिए, घर बैठा रही है। सर वो बैंट है, वोट चाहिए उन्हें। अगर नहीं सुनेगी सरकार, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर क्या करें? सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतने समय में निकाल कर हमारे होमगार्ड के सुनने के लिए आए। हमारे जो साथी हैं होमगार्ड ने जो 10,000 कुछ के वैकेंसी निकाला है, इसमें 12वीं पास निकाल, हम लोग 10वीं पास हैं। हम लोग को बाहर निकाल, हम लोग जाएंगे कहाँ पे? अब हमारे बाल बच्चे करेंगे क्या? हम शिक्षा कहाँ से कहाँ देंगे? हमारे सरकार कह रहे हैं हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी रोजगार दे, तो हमारे रोजगार तो छिन रहा है, तो हम कहाँ जाएँ? आप ही बताओ कहाँ जाएँ? कौन सुनेगा हमारी बात? किसके पास ले जाएँ? लेकिन केजरीवाल सरकार कह रही है कि हम लगातार लोगों का विकास कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नौकरी छीनी गई है। नहीं, केजरीवाल सरकार दे रहे हैं, लेकिन हमारे हेडक्वार्टर सीधा मना कर दिया है। जो आप लोग अपना व्यवस्था कीजिए, जो है जो भी रेडी पट्टी जो भी लगाना है लगा सकते हैं, आप हम लोग को नहीं रखेंगे। रेडी पटरी लगाएंगे तो फिर भ्रष्टाचार भी तो फैलेगा, पैसा मांगने आएगी पुलिस। नहीं नहीं, पैसे कोई नहीं मांग रहा है, पैसे कौन मांगे हम लोग से? पैसा नहीं मांगते जब रेडी पट्टी, कोई दिक्कत नहीं है मैम। ले पर रेडी पटरी हम लगाने के लिए भर्ती हुए, ये वर्दी में हम रेडी पटरी लगाएंगे हैं? आप ही बताइए, आप ही जाएंगे तो आप एक बार को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कभी हम लोगों के सामने वर्दी में होते थे, हमारी हेल्प करते थे बसों के अंदर भी, आज भी हम लोग लगे हुए हैं, हेल्प ही करते हैं। रात को 2 बजे भी आप अकेले जाएंगी, अगर बस खाली भी जा रही है और सिर्फ आप अकेली बैठे तो हमारी टेंशन होती है, ना कि वो ड्राइवर कंडक्टर की। हम चाहते हैं, काम लग रहा था एक समय पर मार्शल्स पे ही बसों में कि वो खुद लड़कियों पर गंदी नजरें डालते हैं, इसलिए निकाला गया है, ऐसा कुछ था? वो सिविल डिफेंस वाले थे, वो हम नहीं थे, दिल्ली होमगार्ड के नहीं थे, वो सिविल डिफेंस के थे। आप लोग लगभग कितने लोग हैं? 8,500 हैं, 4,500 थानों के अंदर हैं, थाने में ट्रैफिक में, और 4,042 लड़के बसों के अंदर हैं। तो अभी तक आप लोगों ने किस तरीके से अपनी मांगे सरकार के सामने रखी? मांग तो रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, उल्टा और निकालने की धमकी दी जा रही है कि निकाल दी जाएगी। 31 मार्च लास्ट है आपका। धमकी नहीं, मतलब ये तो एक टॉर्चर हमारे पर, मतलब वैकेंसी निकाल के हम कहाँ जाएंगे फिर उसके बाद? हमें तो मतलब 15 सालों के जॉब करते करते तो हम कहाँ जाएंगे अब? मतलब कोई तो क्लू है, मतलब भर्ती कर रहे हो तो चलो आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, ना कि हमें निकालो। हमारी डिमांड यही है कि हमें 60 साल तक मतलब ऐसे ही मतलब कर रहे हैं, हमारा सुचारू रूप से चलता रहे, ना कि हमें हटाया जाए। जो फैसिलिटी पुलिस को मिल रही है, मतलब जो मतलब सारी, वो हमें मिलनी चाहिए। हमारे सिर्फ यही डिमांड है कि हमें निकाला जाए, हमें इसी तरह। लोगों को निकालने की बड़ी वजह क्या लगी आप? बड़ी वजह ये तो भ्रष्ट है, हमारे जो सीनियर अफसर हैं ये भ्रष्ट है। ये न्यू भर्ती करेंगे जो चाचा भतीजावाद होता है, नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं, राइट? तो नेपोटिज्म को मतलब उनको लाएंगे ये, और क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे फिर? हमारी एज और भर्ती करने के पैसे लेंगे, मेन जो पैसा है ना, पैसा पैसा, बिकॉज आज के टाइम में सब मनी है, मनी को सबसे ऊपर माना गया है, ना कि इंसानों की मतलब जो फीलिंग है ना उनको कभी नहीं माना गया। हम कहाँ जाएंगे 15 साल में नौकरी करते करते होगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? कहा जा रहा है कि आप लोगों की नौकरी चली गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी सरकार की है। सरकार भी इन्वॉल्व है, सरकार ने तो प्रॉमिस किए थे 2014 में सरकार मानने से पहले कि हम तुम्हें पक्का कर दें, हम तुम्हें कर दें, कहाँ किया है सरकार? सरकार तो मतलब एक मतलब जो होता है ना, मतलब झूठा झूठा प्रॉमिस, वो किया गया हमारे साथ,
एक धोखा किया गया, सभी के साथ किया गया, क्या करें हम सरकार से? लोग अपनी राय रखते हुए नजर आए हैं, 8,624 लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन लगातार देखा जाए यहाँ पर तो मांग लगातार बढ़ती हुई जा रही है, रोजगार चाहिए, यहाँ पर अचानक से निकाल दिया जाता है तो गुस्सा लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है। तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोहित गौतम है, मैं और ये सभी 8,500 जवान दिल्ली होमगार्ड में हैं, जो कि पिछले 14 वर्षों से लगातार दिल्ली होमगार्ड में रहकर नौकरी कर रहे हैं, और अब एक दिल्ली सरकार ने एक आदेश यह निकाल दिया है कि हम सबको 31 मार्च 2024 को नौकरी से हटाकर नए लोगों को रखा जाएगा, जो कि सरासर गलत है, हम लोगों के साथ अन्याय है। हम दिल्ली सरकार से यह मांग करते हैं कि हमको हमारी नौकरी से ना हटाया जाए, हम ही को सभी 8,500 जवानों को उनकी 60 वर्ष की आयु तक नौकरी करने दी जाए। वजह क्या बताई है कि आप लोगों को अचानक से नौकरी से निकाला जा रहा है, लिमिटेड पीरियड दिया जा रहा है, वजह क्या है? उन्होंने हमें कोई वजह नहीं बताई है, एक आदेश जारी कर दिया कि नई भर्ती आ गई है, और उन्होंने हमें कोई वजह नहीं बताई, जबकि हम पिछले 14 सालों से नौकरी कर रहे हैं, और वजह जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम दिल्ली सरकार से वही वजह पूछ रहे हैं कि आप हमें वजह बताएं, केजरीवाल जी आप हमें वजह बताएं कि आप हमें निकाल क्यों रहे हो, जब आपको जवानों की जरूरत है तो आप हमें ही क्यों नहीं रख रहे, हम जब स्वस्थ हैं, हम ठीक ठाक हैं, तो हमें वो रखे ना, नए लोगों को क्यों ला रहे हैं, रिप्लेस का मतलब क्या है उनका? आपको लगता है कि सरकार कोई जवाब देगी, क्योंकि अभी तक तो शांत बैठी है, नजरअंदाज लगातार आप लोगों को करती हुई दिख रही है? अभी तक सरकार शांत बैठी है, लेकिन हम सरकार को शांत बैठने नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे उनकी। धरना हो गया, आप क्या अगला क्या करेंगे फिर? अगला अगर हमें 2 या 3 दिन में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो फिर हम दोबारा से धरने के आएंगे, रोड पर आएंगे, और हो सकता है कि हम अगली बार अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी सिर्फ एक मांग कि हमें हमारी 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी करने दी जाए, जब तक हम अनिश्चितकालीन धरना भी करेंगे। लेकिन सरकार के तमाम लोग कहते हैं कि आप 60 साल तक नौकरी मांग रहे हैं, उसके बाद आप लोग पेंशन के लिए यहाँ पर बैठेंगे कि पेंशन दी जाए, क्या करेगी सरकार? देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ कि हम कोई पक्की नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम जैसे आज वॉलंटियर हैं, हमें वॉलंटियर के तौर पर ही हमें हमारी 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी देती मिलती रहे, हम कोई पीएफ नहीं मांग रहे, हम कोई ईएसआई नहीं मांग रहे, हम कुछ नहीं मांग रहे, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि आप हमारी सैलरी में से 500 रुपये काट कर विधवाओं के लिए दे दो, हर महीने हमारे सैलरी में से 500 रुपये काटे जाएं, विधवा आश्रम में, वृद्ध आश्रम में उनको दे दिया जाए। हम तो उल्टा सरकार को देने के लिए रेडी हैं, तैयार है 500 रुपये पर महीना, बताओ दोगे नहीं दोगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभात सिंह है। तो यहाँ पर आप आए हो और दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर मांग कर रहे हो, क्या वजह है? क्योंकि वो अब सरकार हमारे जितने भी होमगार्ड में जवान है उन सबकी नौकरी छीन रही है और नए जवानों को ला रही है, उनका मतलब क्या है? जो पुराने जवान हैं वो तो ट्रेंड भी है कि कैसे काम करते हैं, लेकिन जो नए जवान हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो वो क्यों कर रही है जी? तो लगता है केजरीवाल जी सुनेंगे? हाँ, सुनना चाहिए उनको हमारी बातें, हम इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी अगर आप भी नहीं सुनी तो हम फिर से आएंगे धरना प्रदर्शन करने। मेरे पापा का नाम गगन कुमार है और वो दिल्ली होमगार्ड में काम करते हैं, और वो रात को 12-12 बजे तक आते हैं यहाँ पर घर पर, तो हम अगर उनकी नौकरी छीन ली जाएगी तो हम कैसे गुजारा करेंगे अभी हम जी? तो अभी यानी कि जनता मतलब कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आप कह रहे हैं कि अगला जो कदम होगा वो रोड पे निकलते हुए नजर आएंगे? जी जी हाँ, अगला कदम हमारा रोड पर ही होगा। हमें रात को नींद नहीं आ रही, जब से हमें पता चला है कि 31 मार्च 2024 को हमें निकाल जाएगा, हमारी रातों की नींद भाग गई है, हम चैन से सो नहीं पा रहे, चैन से खाना नहीं खा पा रहे, इन्होंने हमारी ज़िंदगी को कर दिया है ख़राब बिल्कुल। अब हम 40 साल के हो गए, 45 साल के, 50 साल के, अब हमें कौन नौकरी देगा? अगर इनको निकालना था तो पहले ही निकाल देते। बिल्कुल।
आपने सुना यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है कि दिल्ली सरकार जो है वो एक तरीके से नौकरी छीन रही है और नौकरी देने का काम नहीं करी और दे भी रही है तो नए लोगों को नौकरी दी जा रही है और यहाँ पर पुराने लोगों के साथ अन्याय लगातार किया जा रहा है। तो न्याय के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। जो होमगार्ड है उनकी उम्र यहाँ पर 40-45-50 साल हो चुकी है, उसके बाद क्या करेंगे बड़ा सवाल लगातार बनता हुआ नजर आता है। आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है कि यहाँ पर अन्याय हो रहा है या फिर सरकार जो लगातार कह रही है कि न्याय तो हम पूरी तरीके से पूरे देश में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए लीडिंग भारत।